Hello fam, it's me Suchi Queen and you are in my world. So, आज हम जा रहे हैं फार्म हाउस पे, तो चलो चलते हैं, let's enjoy. जैसे कि मैं झूठ मूठ का भरते रहते हैं, मैं भी. Finally we reached और अब जो है गेट खोलेंगे और हम वेट करें कि कब भैया आए और गेट खोलें. जल्दी जल्दी भैया तो नहीं, लेकिन एक बच्ची ने खोला है, तो चलो चलते हैं. ये फार्म हाउस नंबर 1 पर है. पहले फार्म हाउस जिस पे हम गए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे है. सी द व्यू, सी वाओ, सी दिस. आज का जो वेदर था वो भी बहुत प्यारा था, बहुत रोमांटिक था, यू कैन से. सी दिस, हियर इज सारा, हियर इज सांची, ये रही रश्मि, ये रही सिद्धि, श्वेता, ये रही मैं. मम्मा, हाँ? वो भी है ना, बिस्किट इसमें हट वाले. Yes. So here we have some collections of birds. See this, some pigeons, some white pigeons also. और इसे तीतर बटेर कहते हैं हिंदी में. ये दोनों एक साथ रहते हैं. सीधे कितनी क्यूट है ना, और ये कहीं नहीं जाते हैं. इनकी एक खास बात है, अगर आप अब इधर आते हैं, देख सकते हैं आपकी ये जो है ये एरिया मंदिर का है. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है और जिसमें पानी भी है, और इसके साइड में फूलों की बहुत प्यारी सी क्यारी लगी हुई है जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में. और साची, हाय. सारा, सिद्धू हाय करो, हाय करो, करो हाय करो सिद्धू. रश्मि I'm so much tired. आप मेरी शक्ल से देख सकते हैं ट्रैवलिंग से, क्योंकि ये सोना रोड पे है और अब हम जा रहे हैं फार्म हाउस नंबर 2 पे. सो हम पहुंच गए हैं फार्म हाउस नंबर 2 पे. ये हमारा सेकंड फार्म हाउस है. सी दिस, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है. और सी नेचर, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर. आई जस्ट लव दिस प्लेस. नाउ सी द व्यू. Wow. Now here is our house. See, tractor bhi hai idhar. Aur idhar hum ab thoda kuch kha lete hain. Bachche bhi kaafi thak chuke hain. And look at me, too much tired. But it's okay. See the swimming pool. दिस वन इज़ देसी वाला स्विमिंग पूल. आप देख सकते हैं ये अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो है पूरा तैयार किया जा रहा है. यहाँ पे भी काम भी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा. देख सकते हैं आप कि यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं और वर्कर्स जो है वो काम भी कर रहे हैं, और बेचारे वो लगे पड़े हैं. ऑर्गेनिक फार्म की तैयारी चल रही है, और हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हुए ये स्विमिंग पूल देख करके, क्योंकि सीधा धरती से इसमें पानी भरा जाता है और नीचे ही नीचे वो
खाली भी कर दिया जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ के बगीचा दिखाने वाली हूँ। यहाँ के बगीचे में बहुत ही अच्छे फ्रूट्स हैं, आम का, अमरूद का। बहुत ही प्यारा व्यू है। ये हमारा जो है फार्म नंबर 3 है। सो सी दिस थर्ड वन, दिस वन इज ऑल्सो ऑसम, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट बहुत ये जो है ये यहाँ पे केयर करते हैं, यहाँ की वो रहते हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं आप यहाँ पे सब्जियाँ भी लगा रखी हैं इन लोगों ने, और यहाँ पे हर तरह के पेड़ हैं। बरगद भी है और तुलसी भी है, नीम भी है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सीडस, ये जो है ये मौसमी ऑरेंज है। यू आर आल्सो टू मच कंफ्यूज, तो मे बी बस वन ओनली पकेंगे जब पता चलेगा कि मौसमी है या ऑरेंज है। सो आओ आपको एक और पेड़ दिखाती हूँ, ये जो है वो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही तरह के पेड़ हैं। ये देखते हैं अब सीडस, ये जो है ये मे बी इसे कहते हैं शरीफा, शरीफा कहते हैं इसे। ये मैंने खा रखा है सीडस, ये बहुत अच्छा होता है। जिसको डेंगू होता है वो खाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी बढ़ाता है ये। और यहाँ पे अमरूद के भी पेड़ थे, उस पर अमरूद भी थे लेकिन काफ़ी छोटे थे और हाइट पे थे, तो मैं उनके पिक्स नहीं ले सकी। तोरी जो आप लोग खाते हैं देख सकते हैं हम। अब हम फार्म हाउस में एंटर करने चाहते हैं। इट्स ऑसम। और हम शूट भी कर रहे हैं साथ में, मस्ती भी कर रहे हैं। और अब म्यूजिक टाइम, लेट्स हैव सम डांस। सो हियर इज आवर फूड, सम स्टार्टर, सम मंचूरियन एंड चाउमीन। यस, हेलो फैम। सो फाइनली हमने खाना खा लिया, अब फन करने का टाइम है। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम डांस, सम मस्ती। हाँ जी, देखने को मिलती है ऐसी चिड़िया। सी दिस वुड पिकर, वुड पिकर जो है वुड में भी अपने चोट से छेद कर सकते हैं। दिल्ली में ऐसा व्यू देखने के लिए बहुत कम मिलता है। और आप देख सकते हैं कि हम अभी गुड़गांव में हैं, सोना रोड पे, और ये वहाँ के फार्म हाउसेस हैं। तो ये देखिए, ये है पपीते का कितना ह्यूज पेड़। और आज का वेदर तो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही रोमांटिक था, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में हल्की सी बारिश होती और फिर चल जाती, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी। नेचर की वो जो आवाज़ थी, अलग अलग पक्षियों की, वो पिकॉक की आवाज़,
शायद से ये हमें कभी सुनने को मिले, बट आज बहुत ही अच्छा लगा। अब हम सारे बैठ करके बात कर रहे हैं और अपनी चाय का वेट कर रहे हैं कि कब चाय आएगी और हम थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। बिकॉज मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, यू कैन सी दिस, और बच्चे भी टायर्ड हो चुके हैं। अब हम फार्म हाउस से निकल चुके हैं और अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, रात का डिनर करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि सारे ऑलमोस्ट काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं। तो लेट्स गो, लेट्स हैव सम डिलीशियस फूड्स। तो हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में, ये गुड़गांव में फेमस है। फेमस कह सकते हैं कि राज का जो ढाबा है, ये बहुत ही टेस्टी फूड है इसका। अच्छा, तो हमने ऑर्डर कर लिया है और अब हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। सी बेचारे थके हुए सारे। नाउ हियर इज आवर फूड, लुक एट दिस, पाइनएप्पल रायता, स्टफ्ड नान, कढ़ाई चाप, एंड यस वरेन्स फेवरेट चिकन करी। तो हम अब घर के लिए निकल चुके हैं फाइनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ वो बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।